दक्षिणा में मैंने क्या मांगी, कोई गुप्त चर्चा हमारी हुई नहीं। आपने देखा नहीं होगा, सबने देखा है कि मैं कोई कान में शट करके चुपचाप कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ। मैंने उसमें स्पष्ट कह दिया, बोल करके कह दिया कि दक्षिणा में आपसे तो मुझे न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने दक्षिणा में किसी भी वस्तु का नाम भी नहीं लिया। मैंने यह कहा कि हमारी सनातनियों की कई समस्याएं अभी फंसी हुई हैं, जिसके लिए अनिष्ट की संभावना भी बनी रहती है, तो हम चाहते हैं कि आप जैसे यशस्वी के द्वारा ही इन समस्याओं का निदान किया जाए, समस्याओं को दूर किया जाए। बल्कि मैंने वहाँ कोई नाम नहीं लिया, परंतु बहुवचन शब्द का प्रयोग किया, समस्याओं। तो इसलिए मीडिया वाले अपनी मन से कुछ कुछ निकाल रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, अंदर में तो मेरी भी अपेक्षा है ही कि इसे मुक्त होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से हिंदुओं के लिए इसे प्रदान कर देना चाहिए। अन्यों को भी कोई कष्ट नहीं देते हुए, सबको सुख पहुंचाते हुए और जैसे शांति समझौता हो करके हमारे लिए दे देना चाहिए, यह तो हमारा भाव है ही। परंतु उस समय ने तो मैंने कोई स्पष्ट नहीं किया, कोई मांगा नहीं, और इसको आपके बंधु लोग कुछ दूसरे ढंग से रख रहे हैं। हाँ, बाद में मीडिया वाले ने मुझसे कई प्रकार की चर्चा की कि यदि अवसर मिलता है तो आप क्या बोलते। मैंने कहा अवसर मिलता और हमारे श्री प्रधानमंत्री जी हमसे कहते कि आप दक्षिणा क्या लेंगे, खुल करके बोलिए, तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहता कि भारतवर्ष में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। भारत की धरती गाय के रक्त से रंजित होती है। यह भारत धर्म प्राण जिस देश में राम और कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, जिस राम की आराधना में जिनके मंदिर के लिए हम लोगों ने 500 वर्ष का संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने किया, वे राम और वे कृष्ण भी गौ की पूजा के लिए अवतरित होते हैं। विप्रधेनु शुरसंत हिता आदि आदि, और श्री राम की आराधना पूजा करते हुए भी राम की ही धरती पर गौ का रक्त गिरे, गौ का वध हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और यदि प्रधानमंत्री जी मुझसे यह कहते कि आचार्य जी आप खुल के दक्षिणा मांगिए, लेकिन वहाँ पर कहते भी नहीं और मैं भी नहीं कहता, क्योंकि भाई आप जानते हैं, आप मीडिया के लिए 10-5 दिन का यही चुटकुला हो जाता, और मुख्य जो महामहोत्सव था श्री राम जन्मभूमि का महामहोत्सव, वह थोड़ा दब जाता। परिस्थिति को देख करके ही कुछ करना चाहिए, तो मैंने अलग से कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि यदि मुझसे पूछा जाता कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं दक्षिणा यही मांगता कि भारतवर्ष में गो हत्या बंद हो जाए, इसके लिए आप विधिवत कानून बनाएं, कानून पास करवाएं, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उसको करवाएं, और भारत में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं दक्षिणा में यही मांगता, और अभी भी आपके माध्यम से मेरी यही चर्चा हो रही है। मैं अपने मन की ही बात बोल रहा हूँ, तो यही मेरी मांग भी है, अभी मैं मांग रहा हूँ। इससे अतिरिक्त तो वहाँ पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ हम लोगों ने बात नहीं की, किसी शब्द का नाम नहीं लिया, न तो काशी विश्वनाथ का नाम लिया, न तो कृष्ण जन्मभूमि का नाम लिया है। और अनुभव लगाने वाले, क्योंकि समस्याओं बहुवचन का प्रयोग किया, तो ये सारी बातें उसके अंदर में हैं। हेमंत और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस अपडेट समय से मिलते रहें। राम राम।